मेरा तोरण द्वार श्याम बाबा का, अंदर चलते हैं। भाई अभी कार पार्क करने गया, उसको आते ही निकलते हैं, फिर मंदिर में पहुंच जाएंगे सीधा, ठीक है। 2 seconds later तो गाइस खाटू श्याम के मंदिर पहुंच गए हैं और हम सारे लगे हुए हैं। जय श्री श्याम। तो भाई अभी लगे हुए लाइन में, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, चल रहे हैं। वैसे मंदिर में फोन अलाउड नहीं है, जहाँ तक मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ तक दिखा दूंगा। है वाह वाह तेरी जय जयकार। भाई जल्दी जल्दी निकल लो, मंदिर बता रहे खाली पड़ा है, फटाफट तुम्हारा भाई का निशान चढ़ जाएगा। वाह वाह तेरी जय जयकार। गिर मत जाइए भाई। भाई मजा आया, मंदिर से निकल गए थे और इतनी भीड़ थी, शाम के बज रहे हैं 7 और खाटू श्याम जी के मंदिर में तुम तो जानते हो यार कैमरा अलाउड नहीं था, तो वहाँ मैंने कैमरा बंद कर दिया। जहाँ तक शूट हुआ वहाँ तक शूट कर दिया था मैंने। मंदिर से निकले, पानी की बोतल ली सबसे पहले क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, पानी वानी लिया, फिर रूम लिया। रूम लेकर अब इस धर्मशाला में रुके, मैं आपको दिखा दूँगा नाम, नीचे जाऊँगा ना, अभी जा रहे हैं नीचे, वैसे मार्केट घूम कर आएंगे, बाहर से दिखा दूँगा एक बार फ्रंट कैसा है, ठीक है। हमने थोड़ा मार्केट चेक करेंगे, हमने थोड़ा आराम कर लिया, 1.5 घंटे बाद चाय वाय पी ली बढ़िया, और थोड़ा बहुत घूम लेंगे, बाहर सारी मार्केट दिखा दूँगा बढ़िया, एक्सप्लोर कराता हूँ पूरी। ये देखो बाबा की नगरी है, हाँ तुम्हें क्या हो गया? तो मैं एक बार और फिर से मंदिर जा रहे हैं क्योंकि इस टाइम जो भी 7 बजे ना, तो आरती का टाइम 8 बजेगा, इस टाइम थोड़ा भीड़ कम हो गई है, भीड़ कम होगी इस टाइम, तो एक बार देख आते हैं भीड़ नहीं हुई तो चले जाएंगे। था भीड़ नहीं होगी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, थोड़ा बहुत भीड़ है, क्या हो गया? तो भाई हमने सोचा था कि मंदिर में जाएंगे, पर मंदिर में बहुत भीड़ लग रही है, देख सकते हो पीछे के रास्ते में भी बहुत भीड़ है, तो हम सोच रहे कि कल सुबह ही जाए मंदिर, वैसे दर्शन तो कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। एक से एक इत्र मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे, बाबा श्याम के लगते हैं जो ये। गोलगप्पे खा रहे हैं खाटू श्याम में। देखो जब भी खाटू श्याम आ रहे हो, मैं तुम्हें एक सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ कि जब भी खाटू श्याम आओ ना, तो इधर उधर गाड़ी कभी मत खड़ी करना, क्योंकि यहाँ हो जाती है टो, मतलब भूखे घूमते हैं ट्रक वाले, ऐसे लेके घूमते हैं कि 2 मिनट तुम खड़ी करो, चाहे ड्राइवर अंदर बैठा हो चाहे कोई भी बैठा हो अंदर, वो टो कर लेगा अगर तुम गलत जगह पे खड़ी करोगे, और अगर तुम जैसे हटाओगे भी ना तो जिद करेगा वो, मतलब
वो होती है ना लड़ाईबाजी से करता है कि यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होगी, पार्किंग में जा खड़ी करो, और पीछे पीछे आता रहेगा। हमने गाड़ी लगा दी थी, तो एक बंदा आया कह रहा कि तो हो जाएगी, यहाँ से हटा लो। तो हमने जहाँ पे हम धर्मशाला लेते हैं वहाँ पे हमने खड़ी करी, तो वहाँ पर भी वो बोल रहा है कि यहाँ भी नहीं खड़ी होगी, पार्किंग में ही खड़ी करो। और पार्किंग के भाई बहुत पैसे मांगते हैं, 250 रुपये रात के, 150 रुपये रात के, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ सबसे स्पेशल चीज़ जो खाटू श्याम में यहाँ पर मिलता है, सबसे बढ़िया फेमस कढ़ाई का दूध पीते हैं, टेस्ट करके बताते हैं इनका खंडेलवाल दूध लस्सी भंडार। ये देखो कढ़ाई का दूध भैया, 30 रुपये का एक गिलास है, तीन दे दो भैया। बाहर से ही बैठने को हटा दिया आपने। जैसे करते ना मथुरा में, हाँ ये देखो, ये भैया की देखो, ओए ओए ओए, नीचे के तो लात पड़ गई, आदत है भाई। ये देखो अब इस पर डालेंगे भैया बढ़िया काढ़ी मलाई। खुद के साथ में ही गली जा रही है, और यहाँ पर है राधा की हवेली जो कि खाटू श्याम में फेमस है भाई, राधा की हवेली। श्री आलू सिंह जी महाराज और श्याम बाल जी। बाकी भाई यहाँ पे कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है, और अंदर को जहाँ लेफ्ट साइड में वहाँ रिसेप्शन है, क्योंकि ऊपर सारे होटल रूम्स वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पर। और राजभोग राजस्थानी थाली है, रिसेप्शन पे जाकर होटल भी मिल जाएगा आपको, सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा। मैं लिखा है होटल प्रवेश, ये देखो नंदगांव लिखा है वहाँ पर, और इधर से देख सकते हो कंस्ट्रक्शन चल रही है, बढ़िया काफ़ी सही है, होटल भी है रेस्टोरेंट भी है। 2000 years later टाइम हो चुका है 8:15, और अब जाएंगे सोएंगे क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। 17 किलोमीटर चल के आया तुम्हारा भाई, थकेंगे तो आई हैं। 17 किलोमीटर वैसे मैं नहीं चल गया, बहुत लोग चलते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सोएंगे अब, और सुबह उठेंगे 7-8 बजे आराम से, मिलते फिर आपसे सुबह, ठीक है। The next day. Good morning guys. सुबह के बज रहे हैं 8:30, तुम्हारा भाई अभी अभी सोकर उठाया, अभी चाय वाय पीकर अभी आए थे, मैं थोड़ी देर बाहर आ गया था। बाकी भाई रात में नींद बहुत बड़ी आई थी, अभी काफ़ी थक गए थे सब जने, और अभी भी थोड़ा बहुत पैरों में दर्द है, कोई बात नहीं सही हो जाएगा। भाई इस होटल की ना खासियत है, यहाँ से राधा की हवेली दिखती है कोने से, पर मेरे को इस साइड से दिखते थे, उस एंगल से दिखते थे, मेरे को याद नहीं है, देखता हूँ भाई इधर से शायद नहीं, इधर से नहीं है, दूर से दिखती थोड़ी सी। ये वाली पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई, वैसे इसके पीछे ही दिख रही थी पूरी राधा की वेली। उज्ज्वल भाई बड़ी देर से नीचे गया हुआ है, इधर देख रहा मैंने तो फोन करा है भी, तो कह रहा मैं नीचे ही बैठा हूँ, ये बैठा हुआ है क्या कर रहा है। ताकि मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि पार्किंग का क्या सीन है यहाँ पे, मतलब टो हो जाती गाड़ी ज़्यादातर 2 मिनट के अंदर अंदर खड़ी कर दोगे, और नगर पालिका की पार्किंग है वहाँ भी पार्क कर सकते हो अपनी कार। हमने अपनी जो हमारा जो होटल है यार, इसलिए हमने साथ में जो गली जा रही है वहाँ पार्क करी है, देखो बोरी यहाँ सारी गाड़ी की पार्किंग है, बोरी अपनी गाड़ी श्री श्याम 50 अंग टाटा नगर, इसमें हम रुके हैं, सब कुछ बढ़िया है। एक बार अगर देखना, अगर रुकना है यहाँ पर रात के लिए रुकते हो तो यहीं आ जाना, सबसे बढ़िया है, बेड बेड रूम वूम सब कुछ एक नंबर है। गाइस तुम्हारा भाई रेडी हो गया बढ़िया, और फटाफट अभी मंदिर को निकल रहे हैं श्याम बाबा के।
ये है यहाँ पे एक मंदिर जो अंदर से पूरा बद्रीनाथ की तरह से ही बनाया है। तो पहले कुंड देखने जा रहे हैं जो श्याम बाबा का कुंड है, उसमें चलते हैं पहले और कुंड की तरफ की जो मार्केट है वो दिखा रहा हूँ। तो ये है श्री श्याम कुंड, इसका एंट्रेंस ही है। तो ये है श्री श्याम कुंड पुरुषों के लिए, ये पुरुषों का है, इधर थोड़ा लेफ्ट में जाके लेडीजों का है। तो ये है श्री श्याम कुंड, इसमें जल नहीं। तो अभी नहाना मना है क्योंकि कोविड की वजह से बंद कर रखा है, बाकी आप लोग दोनों अपने बढ़िया। पर हमने सोचा था यार नहाएंगे हम, कल रात का भी हमारा ये प्लान था नहाएंगे, पर एक अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे नहाना मना है अभी ये है और, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया। और अभी देखा तो पानी सही में नहीं है भाई, खाने की व्यवस्था नहीं है अभी। वहाँ से चले जाओ और एक इधर से रास्ता जाता है, लेफ्ट साइड में गली जा रही है, यहाँ से एक रास्ता है आलू सिंह जी का मंदिर, इधर ही है, इधर ही रास्ते में आलू सिंह का मंदिर पड़ेगा। इस तरफ से श्याम बाबा के मंदिर के पीछे का रास्ता, इतनी भीड़ जाती। तो पहले हम आलू सिंह जी के मंदिर चले जाते हैं, फिर उसके बाद इधर से ही जाएंगे। तो ये है आलू सिंह जी महाराज जी का मंदिर और ये रहे आलू सिंह जी महाराज। भाई आलू सिंह जी महाराज जी का कमरा था ये, स्टॉल वॉल लग रहे हैं आलू सिंह जी महाराज जी के बगीचे में, अरेंजमेंट हो रही है बढ़िया। नहीं बता, मैं उसको बता दूँ, आलू सिंह जी महाराज श्याम बाबा के पहले भक्त थे और उनको बताते कि श्याम बाबा से मिले भी हैं और ये उनका कमरा था और उधर उनका वो मंदिर बनाया गया। बहुत भीड़ हो रही है, सारा बैग वैग पैक हो गया, रूम से चेकआउट हो गया है, बाकी गाड़ी निकल रही है अपनी, अब निकल रहे हैं सीधा घर को दिल्ली। मेरा हमारा सारा सामान यहाँ पे, सारा सामान आ गया है, अब चल रहे हैं फटाफट। तो अभी खड़े हैं तोरण द्वार पे और निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए, बहुत मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय करा।
नेक्स्ट डे। तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए हैं और रात में पहुंचे थे, रात में थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए थे, पर कोई नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना टंग टंग करके, जिससे तुम्हारे भाई की नई वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये रहे तुम्हारे भाई के यूजर नेम, जा जाओगे फॉलो करो। यूट्यूब से पहले तुम्हारा भाई अपडेट स्वयं पर देता है, सब कुछ मेरी लाइफ में क्या चल रहा सब आपको वहीं पता लगेगा। और ये रहे मेरे फेसबुक पे, जाओ जाओगे फॉलो करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं, बाय बाय।